नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के डाबर पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम करिया खेड़ा गांव के दो किसानों ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, जिसकी ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की मशक्कत करते रहे। मौके पर फायर ब्रिगेड के पहुंचते ही आग पर पूरी तरह काबू कर लिया गया है। आग लगने से लगभग 5-6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फोन लगाने पर भी 100 डायल मौके पर नहीं पहुंची। विदिशा से भैयालाल ठाकर की रिपोर्ट। यहाँ खेत में आग लगी है, कौन सा गांव, कैसे लगी, क्या है पूरा मामला? ये विदिशा तहसील का डाबर के अंतर्गत करिया खेड़ी में आग लगी थी। अचानक आग लगी है और ये बगल में मेरे भतीजे राजेश का खेत है। इसमें जैसे ही आग लगी तो हम पूरे गांव के डाबर के सभी आसपास मंदन गढ़ी धारू गढ़ी रसल्ला के लोग यहाँ पर आए ट्रैक्टर ले लेके, मगर कंट्रोल नहीं हुई। उस टाइम हवा चल रही थी, मैंने कई बार 100 डायल किया मगर उन्होंने नहीं उठाए। उनको निलंबित करना चाहिए। मैं पुलिस और कलेक्टर से और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ ऐसे ही लोगों को सर्विस से निकाल बाहर कर दिया। अब इसके बाद मैंने SDM को फ़ोन किया, उन्हें तुरंत कार्रवाई करके उन्हें फायर ब्रिगेड भेजी, मगर इससे हमारा किसान तो परेशान हो गया, नुकसान तो हुआ है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, 100 डायल की है, उसको साले को निलंबित करने चाहिए नौकरी से, ये मेरी मांग है। कितना नुकसान हुआ है लगभग? इसमें करीबन 5 लाख का नुकसान हुआ है यहाँ राजेश का, और बगल में भतीजा कैलाश है उसका भी करीबन 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। दो खेतों में आग लगी। पटवारी का नंबर 4 है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।